आप सभी लोग उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सब जरूर बताइएगा कमेंट करके आप सभी कैसे हैं। और अभी आज है नवमी, तो नवमी के दिन जो है पूजा के लिए मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ, अभी जाऊँगी मैं किचन में और किचन में मैं बनाऊँगी हलवा पूरी चने, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो हमारे यहाँ जैसे होता है वो मैं आज आपको दिखाऊँगी कि हमारे यहाँ किस तरह से होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको हैप्पी रामनवमी, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैप्पी रामनवमी की, और माता रानी सभी के कष्टों को दूर करे और जो अभी परिस्थितियां हैं उनको दूर करे और जल्दी सारी परेशानियां चल रही हैं उनको माता रानी जल्दी से ख़त्म करें। तो चलिए चलते हैं। पहले नहाने से पहले मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया था, अच्छे से धोकर साफ कर लिया था और सारे स्टैंड वो सब कर, तो अभी मैं यहाँ पे गैस के जो स्टैंड है वो मैं लगा रही हूँ, उसके बाद मैं अपना बनाना स्टार्ट करूँगी। ये चने थे वो मैं उबालने के लिए रखूँगी एक साइड में, इधर मैं हलवा बना रही हूँ, इसको बोलते हैं महाप्रसाद। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ इसको, दूध और मैं बनाते दूध थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। और इस हलवे में जो है, अगर आपने एक कप सूजी लिया है तो इसमें 3 कप पानी का और 1 कप चीनी का यूज करते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं। तो ये हलवा जो है गुजरात में महाप्रसाद बोला जाता है, ये बहुत अच्छा बनता है। और अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो फुल रेसिपी तो वैसे मैंने पूरा बता ही दिया है आपको, और पुष्पलता किचन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो मैंने दूध चीनी पानी को मैंने बॉयल कर लिया था और उसके बाद मैंने इसमें गरम गरम अगर आप हम डालते हैं तो हलवा एकदम खिला खिला बनता है, गरम दूध पानी पर करके अगर डालते हैं तो। तो यहाँ पे मैंने फिर किशमिश डाल दिया है, आप अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, क्योंकि अरका को इतना पसंद नहीं है कि तो वो नहीं खाती है, तो मैंने किशमिश पसंद है तो वही डाला है। तो अब ये हलवा लगभग रेडी हो चुका है, तो ऊपर से मैं थोड़ा सा घी डाली हूँ और इसको मिक्स कर लूँगी तो और टेस्ट दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर प्रसाद ये हलवा रेडी हो चुका है, मेरा हलवा बन चुका है और हलवा बन गया है। चने बनाऊंगी, तो अभी मैं डो रेडी कर रही हूँ पूड़ी के लिए। अच्छा चलिए डो भी रेडी कर लेती हूँ, आप लोग से बातें भी कर लेती हूँ और आप सब लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता है तो जरूर कमेंट में बताइएगा, और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है वो भी बताइएगा। और आजकल पता नहीं व्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं, हरिका भी उठ गई है और मम्मा जल्दी से करो देर हो गई ऐसा बोल रही है। मैं भी जल्दी जल्दी कर रही हूँ, देर हो गई आज, रात में जल्दी सोती नहीं हूँ वो और तो देर हो जाती है सोने में। फिनिश पूरा गुड गर्ल।
काले चने मैंने रात में भिगो दिए थे और सुबह में मैंने इसको अच्छे से करके, और इसमें जो है मैंने पानी और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसको 3-4 सीटी लगा दिया था। ये अच्छे से बॉयल हो गया है। अब इसको हमें इसमें तड़का लगाना है, तो मैं इसमें छोंक दूंगी इसको। तो यहाँ पे मेरा प्रसाद बन के रेडी हो गया है। एक साइड में मैंने पूरी भी सेक लिया था, बहुत जल्दी जल्दी था इसलिए पूरी का वीडियो मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मेरा प्रसाद रेडी हो चुका है। हलवा चना पूरी पूरा रेडी कर लिया है मैंने। तो अब मैं चलती हूँ, अब पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं आ चुकी हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठी करूँगी पहले, उसके बाद जो मैंने बनाया है, और यहाँ पे प्लेट और वो सब मैं क्लीन करके ले आई हूँ अच्छे से, और जल ले आई हूँ। और फूल माला तो अभी नहीं कोई ला सकता है, क्योंकि ऐसा टाइम चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सूना सूना लग रहा था पूजा करने में, लेकिन क्या करें, परिस्थिति ऐसी है तो फिर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं ले आई हूँ प्रसाद, जो मैंने हलवा पूड़ी चना बनाया था, तो वो मैंने रख दिया है, पैसे और वो सब मैंने रख दिया, दिया और धूप कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर भोग लगा दूँगी, आरती कर लूँगी, फिर भोग लगा दूँगी। अभी दिया जला रही हूँ मैं, और इस तरह से करके मैं पूजा कर लूँगी पूरी। और उसके बाद फिर मैं जो है पाठ करूँगी, और मैं पाठ में मैं नवरात्रि में दुर्गा चालीसा और पढ़ती हूँ, विंध्याचल चालीसा वो मैं पढ़ूँगी। और बस इस तरह से मेरा पूजा कंप्लीट। सबसे पहले मैंने टीका लगा दिया है, और आपको वीडियो में लेफ्ट हैंड लग रहा होगा, पर ये फ्रंट कैमरे से वीडियो बनी है इसलिए आपको लगेगा, पर मैं राइट हैंड से कर रही हूँ, तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा, इसलिए मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है और बाद में कमेंट में आता है कि आप तो लेफ्ट हैंड से कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो यहाँ पे मैं करके, और यहाँ पे देखिए मैं पूजा स्टार्ट कर दी हूँ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कह। तो यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद मैं पाठ कर लूँगी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने उसको कट किया है यहाँ पे। और अब यहाँ पे पूरा अच्छे से मैं पूजा कर चुकी हूँ। यहाँ पे लास्ट में मैं कपूर की आरती कर रही हूँ, और जो है कपूर की आरती अच्छा रहता है करना, जिस घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी चली जाती है। तो यहाँ पे मैं पूरा अच्छे से पूजा कर चुकी हूँ, और अब जो है यहाँ पे मेरी सारी पूजा हो चुकी है ख़त्म। भोग भी मैंने सब लगा दिया है अच्छे से, पूजा कर ली है मैंने। उसके बाद मैं फिर पूजा करने के बाद फिर मैं आरिका को कन्या पूजन करूँगी। और वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं आगे की वीडियो में दिखाऊंगी, आगे थोड़ा सा वीडियो रह गया है तो पार्ट 2 में मैं दिखा दूंगी कन्या पूजन का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा।
तो फ्रेंड्स, अभी मेरी जो पूजा थी वो सब पूजा रामनवमी की हो गई है। मैंने सारा प्रसाद बना के और सब चढ़ा दिया है। हमारे घर ऐसे ही होता है, तो मैंने ऐसे किया है जैसे शुरू से करती आ रही थी। वैसे भी अभी कोरोना है तो कन्या तो नहीं खिलाते। मैं मंदिर में दान करती थी, लेकिन अभी बाहर नहीं जा सकते हैं इसलिए मंदिर में नहीं गई। मंदिर में बना के और मैं लेके जाती थी, मंदिर में दे के आती थी पंडित जी को, उनको भी देना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ अपने और एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।